हरे कृष्णा, हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। आपका स्वागत है आज की वीडियो में। और आज मेरा एग्ज़ाम है LLB का, आज लास्ट एग्ज़ाम है। और मेरे दोस्त बाहर खड़े हैं, वैसे मेरे घर आते नहीं हैं लेकिन आज आए हैं, तो मैं अपने दोस्तों के साथ जा रहा हूँ। और टाइम हो गया 1:15 और 2 बजे से हमारा एग्ज़ाम है। ज़्यादा दूर कॉलेज है नहीं, पास में ही कॉलेज है। अब मैं आपको ले चलता हूँ अपने दोस्तों के पास, और फिर मैं उनके साथ जाऊँगा अपने एक दूसरे दोस्त के यहाँ पर। वहाँ पर हम अपना सामान रखेंगे और फिर जाएँगे हम कॉलेज। तो ये खड़े हैं बाहर मेरे दोस्त मनीष और आयुष। अब हम चलते हैं अपना एग्ज़ाम देने के लिए। तो तैयारी मैंने पूरी कर ली है, मैंने 5 क्वेश्चन आने हैं और मैंने 6 क्वेश्चन पढ़ लिए हैं। बस पता नहीं क्या लिखा, लेकिन लिखूंगा क्या वो मुझे पता नहीं है। ये हमारा रामलीला ग्राउंड, यहाँ पे मेला फिर से लगने वाला है। अब अमर उजाला समर मेला, हाँ, अब लग रहा है अमर उजाला कार्निवाल। और पहले लगा थी रामलीला, जिसकी वीडियो मैंने बनाई थी, और अमर उजाला कार्निवाल में भी आएंगे हम जरूर, इसको भी हम शूट करेंगे। भैया आराम से, भैया एक्सीडेंट नहीं होना, बहुत ताजगी हुई है। अरे 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 अरे, लेकिन हम जाम को चीरते हुए निकल जाएंगे, क्योंकि हम साइड से निकल सकते हैं। घुसना है बीच में, और हम जिस फ्रेंड के यहाँ जा रहे हैं वो अभी भी पढ़ रहा होगा, और एंड मिनट तक पढ़ता ही रहता है। आते तब भी नंबर हमारे बराबर ही है। सॉरी शर्मा जी से थोड़े नीचे, हमारे दोस्त की तगड़ी सोच हो तो अभी पढ़ते हैं इतने हो। और हम आ चुके हैं, तो हम आ चुके हैं अपने फ्रेंड के यहाँ पर, जहाँ पर हमें सामान रखना है। और देखो उसकी और उसके कमरे की हालत, ये देखिए मोहित जी हमारे पढ़ रहे हैं। और मोहित जी के बगल में मैंने ये नोटिस किया, ये कितने पढ़ाकू हैं। मोहित जी किताबों के साथ सोते हैं, इनको भी लिया पढ़ाते हैं। ये देखिए, जैसे आइंस्टीन की मेज रहती है वैसे ही हमारे मोहित जी की मेज रहती है। ये है क्रिएटिव लोगों की निशानी। ये भाई लोग अपने पढ़ रहे हैं और हम पढ़ चुके हैं। मोहित जी का आधार कार्ड बहुत काम का है, आगे से पीछे से तुम्हें नहीं पता क्या काम का है, लेकिन बताएंगे समय के बाद। इसमें ऐसे लेकिन 30 तक सारी धारा लगी हुई है। ये हैं भावी भविष्य के वकील, स्केल पे धारा लिखी हुई है। मोहित भाई का खजाना, खजाने की चाबी यहाँ पे देखो, सारा परफ्यूम, शैम्पू, ये हमारे मोहित भाई की बाउ क्रीम, हैंड नेल क्रीम, प्रचार करते हो यहाँ। नो लिखा लिखा अंग्रेजी हमारे पे डाउन है, लेकिन पढ़ के सुनाएंगे। रोज और बटलर, बन कैन, बन डस्टिंग पाउडर, पता नहीं कहाँ का आया है। और ये आज हमें खत्म करना है पूरा। पर रोज ये परफ्यूम लगा के जाते हैं यहाँ से मोहित का। अरे हम सुनाएंगे सही सर, भाई याद कर रहे हैं और ये परफ्यूम लगा रहे हैं। लो भैया लो, हम में लगा के आए हूँ भाई साहब। भाई तो अब हम यहाँ से जाएंगे अपने कॉलेज, और मैं अपना मोबाइल और माइक यहीं रख के जाऊँगा, क्योंकि वहाँ पर कोई जगह नहीं है कि मैं जमा कर सकूँ कोई भी चीज़। तो इसलिए अब हम यहाँ पर रख कर एग्ज़ाम के बाद आपसे मिलेंगे और बताएंगे एग्ज़ाम कैसा हुआ। तब तक के लिए विश्राम कीजिए और मिलते हैं ब्रेक के बाद। A few hours later. तो गाइज हम एग्ज़ाम दे के आ चुके हैं सारे फ्रेंड्स, और एग्ज़ाम बहुत अच्छा गया, लास्ट एग्ज़ाम था, ख़त्म हो गए हैं एग्ज़ाम हमारे। और कैसे एग्ज़ाम गया तुम्हारा भैया? लिख दिया भाई, तो भगवान का सब बस पूछो। और ये है मोहित भाई, इन्होंने एंड तक लिखा, एंड सेकंड तक मैंने भी लिखा। अब हम निकल रहे हैं मोहित के घर से, और ये मुझे घर छोड़ेंगे क्योंकि इन्होंने घर से लिया है मुझे। और उसके बाद हमारे रामलीला ग्राउंड की मार्केट, फूड मार्केट, क्योंकि आज हमारा एग्जाम का लास्ट डे है, तो इसलिए आज हम खा रहे हैं। वैसे हम यूजुअली खाते नहीं है,
और भूख भी लग रही है, आज मैंने खाना बहुत पहले खाया था। तो ये आयुष और मनीष ये पीछे बैठे थे, इनका एग्जाम मैं आगे बैठा हूँ, ड्राइविंग मैं ही कर रहा हूँ। एग्जाम में ये मेरे पीछे बैठा था, लेकिन टीचर आए, टीचर ने उठा दिया पीछे जाओ, वरना मेरा एग्जाम कुछ तुकबंदी वाला होता। मैं अच्छा लिखता, लिखा तो मैंने अभी बहुत है, लेकिन मैं कुछ लिखता जो हमारे यूनिक में था, लेकिन मैंने यूनिक से अलग ही लिखा है। चाउमीन भैया ने देखो ठंडी चिपका दी आयुष को। अरे मोमो चिकन डाल दी। अरे हमारी ये पंडित जी हमारे यहाँ लपलपा रहे हैं। नहीं पंडित जी अपने मोमोज खाएंगे बस। पता है मेरे साइड में पूरे एग्जाम में एक लड़का बैठा, और मैं सोचता था ये मुस्लिम है और ये उर्दू में लिखता है, और आज मैंने उसका मतलब उसका एडमिट कार्ड मेरे एडमिट कार्ड के ऊपर रखा था, मैंने उसका नाम देखा, उसका नाम था कार्तिके विष्णुई, और मैंने उसे ध्यान से देखा वो इंग्लिश लिखता था, लेकिन समझ में ऐसा आता था कि शायद उर्दू लिखता है, उसकी इंग्लिश ही समझ में नहीं आती। पता नहीं कैसे टीचर उसे नंबर देते होंगे, मैं तो बहुत मैं भले ही गलत लिख के आऊँ, लेकिन मैं बहुत साफ साफ राइटिंग में लिख के आता हूँ, और इसी वजह से नंबर मेरे ज़्यादा आए हैं पिछली बार शायद, ऐसा मुझे लगता है। हम गंदा लिखते हैं लेकिन हमारे नंबर सही आते हैं। हाँ ये गंदा लिखते हैं लेकिन ये सटीक लिखते हैं ना, सटीक लिखते हैं, सही लिखते हैं, छोटा लिखते हैं। ये मोमोज तैयार कर दिए भैया ने हमारे। तो हम अपने मोमोज निपटाते हैं और फिर मिलते हैं आपसे घर जाकर, क्योंकि मैं पीछे रह जाऊंगा अगर ये सही सब डालेंगे तो। हम तुम्हारे साथ हैं। नहीं नहीं बस इतना ही ब्लॉग काफ़ी है, वरना मुझे कुछ खाने को मिलेगा नहीं ऐसे। तो मोमोज हमने खा लिए हैं और यहाँ पर इतनी भीड़ हो नहीं रही है, लेकिन लोग मुझे अब भी ऐसे देख रहे हैं घूर घूर के बहुत ज़्यादा, फिर भी लोग इतने अचंभे से देखते हैं, मैं कॉन्शियस हो जाता हूँ थोड़ा। तो मनीष और आयुष गए अपने घर, उन्होंने मुझे मेरे घर छोड़ दिया है, और आज हमारे फाइनली एग्ज़ाम ख़त्म हो गए हैं। अब मैं आराम करूँगा, कपड़े उपड़े उतार के फ्रेश होऊंगा, और मैं आपको अपने कॉलेज नहीं ले जा पाया क्योंकि मैं कॉलेज पे फ़ोन या ट्राईपॉड या बैग वहाँ पे जमा करने की कोई इतनी अच्छी फैसिलिटी नहीं है, तो इसलिए मैं आपको अपने कॉलेज नहीं घुमा पाया, वहाँ का माहौल नहीं दिखा पाया। लेकिन मैं 10 तारीख को मुझे कॉलेज जाना है, मेरा ट्यूटोरियल है, फाइल भी कंप्लीट करनी है 100 पेज की उसके लिए, तो अभी 20 दिन है, मैं कर लूँगा, और शायद मैं उस वहाँ का ब्लॉग बनाऊँ तो मैं आपको कॉलेज का माहौल दिखाऊँगा। और इस वीडियो में इतना ही, इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और जगह के साथ नई चीज़ के साथ, तब तक के लिए बाय बाय बाय।